फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल्स हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन, हु पीपल्स आर एंड हाउ अथॉरिटी इज शेयर्ड अमंग देम आर कोर इशूज़ फॉर डेमोक्रेटिक थ्योरी डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये हमें लोगों को अपने अपनी चॉइस की गवर्नमेंट चुनने का जो अधिकार होता है, वही डेमोक्रेसी होता है, यानी लोकतंत्र, जिसके अंदर जो हमारे इंडिया हमारे कंट्री के कोर इश्यूज़ होते हैं, लाइक डेमोक्रेटिक थ्योरीज, डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सभी इसमें आते हैं। जो हमारे लोकतंत्र का जो शासक होता है, जिसको हम चुनते हैं, वही इसका सब इश्यूज़ को सॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है उसी की। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हम बात करते हैं। जनरली देर आर टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्ट में क्या होता है? इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल्स डायरेक्टली डेलीब्रेट एंड डिसाइडेड ऑन लेजिस्लेशन। डायरेक्टली वो उसको चुनते हैं, किसको? अपने डेमोक्रेटिक पीपल को, जिसमें कि वो वोट के थ्रू चुनते हैं। ये हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सेकेंड है इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू डेलीब्रेट एंड डिसाइडेड ऑन लेजिस्लेशन सच एज इन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। तो जो कि पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में चूज़ किए जाते हैं हमारे जो लोकतंत्र के शासक हैं, वही वो यानी इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।